नमस्कार, सादर अभिवादन। सूरज की पहली किरण की पावन भूमि अरुणाचल प्रदेश में देश के माननीय राष्ट्रपति महोदय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को पाकर हम पुलकित प्रफुल्लित हो रहे हैं, हर्ष तथा गर्व का अनुभव कर रहे हैं। माननीय राष्ट्रपति महोदय जी का सूर्योदय की पावन भूमि अरुणाचल प्रदेश में हम तहे दिल से स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। महोदय, हम आपके सहृदय आभारी हैं कि आपने हमारे प्रदेश में आकर हमें गौरवान्वित किया। हमारी देहरी पर आपकी अगवानी करने का जो सुअवसर हमें प्राप्त हो रहा है, वो हमारे लिए सपनों से मधुर तथा मन को रोमांचित करने के अनुभव जैसा है। हम आपका पुनः अभिनंदन करते हैं। माननीय राष्ट्रपति महोदय, हम आपका राज्य स्थापना दिवस के इस भव्य कार्यक्रम में स्वागत करना चाहेंगे अरुणाचल प्रदेश के राज्य गीत हमारा अरुणाचल से, जिसे पेश कर रहे हैं राज्य के कला एवं संस्कृति विभाग के कलाकार हमारा अरुणाचल।
बहुत बहुत धन्यवाद। राज्य गीत हमारा अरुणाचल से माननीय राष्ट्रपति जी का अभिनंदन और स्वागत। देवी सज्जनों, अब हम स्वागत उद्बोधन के लिए आमंत्रित करते हैं राज्य के माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय श्री चोना मेन जी को। आदरणीय भारत के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, आदरणीय राज्यपाल अरुणाचल प्रदेश के लेफ्टिनेंट जनरल केटी पटनायक जी, आदरणीय चीफ मिनिस्टर श्री पेमा खांडू जी, आदरणीय उप यूनियन मिनिस्टर श्री किरेन रिजिजू जी, आदरणीय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा श्री नवम रेबिया जी, आदरणीय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा अरुणाचल ईस्ट श्री तापिर गाव जी, सभी उपस्थित मंत्रीगण, MLA गण, मेयर, ईटानगर म्युनिसिपल काउंसिलगण, लॉनेट चीफ सेक्रेटरी श्री धर्मेंद्र जी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस श्री सतीश गोलचा जी, सभी उपस्थित सभी सरकारी अधिकारीगण और अरुणाचल प्रदेश के प्यारे भाइयों बहनों, आज हमारे लिए अति उल्लेखनीय दिन है, आनंद का दिन है, खुशी का दिन है, क्योंकि भारतवर्ष के पहला जो ट्राइबल राष्ट्रपति है उन्हें स्वागत करने के लिए अरुणाचल वासियों को ये मौका मिला है और ये भाग्य मिला है हमको। हम एक ट्राइबल समाज से है और ट्राइबल समाज से होने के नाते हमें भी बहुत गौरव महसूस हो रहा है आज का दिन, और सभी अरुणाचलवासी मिल के आज का दिन आपको तहे दिल से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आदरणीय पटनायक जी, आप अभी आप हमारे अरुणाचल प्रदेश के कार्यभार संभाला है, आपको भी इस अवसर पर बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी इस अवसर पर इस साल का हमारा जो स्टेटहुड डे है हमारे लिए बहुत ही स्पेशल है, बहुत ही विशेष दिन है हमारे लिए, क्योंकि ये अनसंग हीरोज़ पे आधारित है। हमें मालूम है कि आदरणीय राष्ट्रपति महोदया, आपका जो इनॉग्रल स्पीच था उसमें भी आपने जो ट्राइबल अननोन जो फ्रीडम फाइटर्स है 1857 का पहले जिन्होंने ब्रिटिश का साथ लड़ाई किया है उसका बारे में आपने जिक्र किया है। अरुणाचल प्रदेश का जो इतिहास है बहुत गौरवपूर्ण इतिहास है, बहुत पुराना इतिहास है, लेकिन इस इतिहास को इस अनसंग हीरोज के बारे में हमें ही मालूम नहीं था। आज़ादी का अमृत महोत्सव ने हमें एक मौका दिया है कि उस अनसंग हीरोज को हम खोजें। उसका बाद हम अपने प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को भी धन्यवाद देने चाहते हैं कि इस 75 इयर्स ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस में हमें मौका दिया है कि हमारा जो फॉरगॉटन हिस्ट्री है उसको पुनरुद्धार करके, उसको इकट्ठा करके लोगों का सामने रखे। ये काम हमारे लिए आसान नहीं था, इसलिए हमने राजीव गांधी यूनिवर्सिटी के हिस्ट्री डिपार्टमेंट को सौंपा कि हमारा अनसंग हीरो जितना है अरुणाचल प्रदेश में इसको खोजे। उनका जितना भी रिसर्च स्कॉलर है गांव-गांव जाके लोगों से मिला, गांववासियों से मिला और उनका बारे में जानकारी लिया, असम आर्काइव गया है, फिर जोरहाट से जो ब्रिटिश जो मिशनरी जो क्रिश्चियन मिशनरी का ऑफिस है वहाँ से जो आर्काइवल मटेरियल इकट्ठा किया है, कलकत्ता से इकट्ठा किया है, दिल्ली से इकट्ठा किया है, नेशनल म्यूजियम से किया है, सिर्फ वही नहीं है, फिर इंग्लैंड जाके, लंदन जाके इन्होंने ब्रिटिश लाइब्रेरी से, ब्रिटिश म्यूजियम से, रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी, स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज से, पीस रिवर म्यूजियम ऑक्सफोर्ड, वहाँ 20-25 दिन रह के पूरा आर्काइवल मटेरियल फोटोज़ का साथ कलेक्ट किया है
और इस तथ्य का आधारित में उन्होंने एक डॉक्यूमेंट तैयार किया है। इस डॉक्यूमेंट में 220 हमारा जो अनसंग हीरोज को रिकॉर्ड किया है इस डॉक्यूमेंट में। हम अभी हमारा जितना भी जो हीरोज है, हमारा जितना भी वो जो वीर है, अरुणाचल का वीर है, उसका बारे में हम लिखेंगे, हमारा रिसर्च स्कॉलर उसका बारे में लिखेंगे। हमें अभी तक हमारा अपना हिस्ट्री, अपना इतिहास पढ़ने का मौका नहीं मिला, लेकिन अभी हम उनका बारे में लिखेगा और स्कूल कैरिकुलम में रखेगा। हमारा भविष्य का जो हमारा बच्चा है, जो हमारा स्कूल का छात्र है, उसको हमारा अपना हिस्ट्री को पढ़ने को मिलेगा। अभी इसके अलावा हमारा जो 3 नॉन फील्ड वॉर है जिसका हमने ब्रिटिश का साथ लड़ा है, एक है 1839 एंग्लो खमटी वॉर, उसमें भी खमटी लोगों ने कर्नल एडम वाइट को मार गिराया और उनका साथ साथ 80 सैनिकों को मारा है। उसका बाद एंग्लो अबोर वॉर 1858-59, 1894 और 1912 and 13, 4 लड़ाई किया है एंग्लो अबोर वॉर। 4 लड़ाई में 4 बार हमने ब्रिटिश को डिफीट किया है। उसका बाद नीनू मैसाकर 1875, नीनू मैसाकर में भी वांचोस लोगों ने लेफ्टिनेंट होलकॉम को मार गिराया, उनका साथ ही साथ 80 सैनिकों को मार गिराया। इस तरह का हमारा वीरता का जो है हिस्ट्री हमारा साथ है अभी। तो ये हमारा ये प्रयास रहेगा। कल हमारा एक छोटा सा एग्जीबिशन है उस वीर पुरुषों के बारे में। आदरणीय राष्ट्रपति महोदया, कल हम आपको जो एग्जीबिशन दिखाएगा और अपना इतिहास के बारे में आपको हम जानकारी देने के लिए हम कोशिश करेगा। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, समय नहीं है, तो मैं इसी चंद शब्द का साथ फिर दोबारा आपको मैं स्वागत करके मेरा स्वागत भाषण इसी में ख़त्म करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय अरुणाचल। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय उप मुख्यमंत्री महोदय। और अब दिव्य सज्जनों, हमारी खुशी में शरीक होने के लिए आए माननीय राष्ट्रपति महोदय जी को राज्य के लोगों की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय स्नेह भेंट प्रदान करेंगे। हम माननीय राष्ट्रपति महोदय जी से निवेदन करते हैं, कृपया राज्य के लोगों की ओर से ये स्नेह भेंट स्वीकार करें। राज्य के तमाम लोगों की ओर से देवियों सज्जनों स्नेह भेंट माननीय राष्ट्रपति महोदय जी के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी प्रदान करते हुए। बहुत ही जोरदार तालियां देवियों सज्जनों, बहुत बहुत धन्यवाद। देवी सज्जनों, माननीय राष्ट्रपति महोदय जी अब अपने करकमलों से राज्य के 2 महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। अरुणाचल प्रदेश सरकार के संयुक्त निदेशालय परिसर तथा एयरपोर्ट से नाहरलगुन रेलवे स्टेशन तक 40 किलोमीटर लंबी डबल लेन सड़क। हम माननीय राष्ट्रपति महोदय जी से निवेदन करते हैं, कृपया बटन दबाकर शिलान्यास करें। अरुणाचल प्रदेश सरकार के संयुक्त निदेशालय परिसर तथा एयरपोर्ट से नाहरलगुन रेलवे स्टेशन तक 40 किलोमीटर लंबी डबल लेन रोड। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राष्ट्रपति महोदय। अब हम दिव्य सज्जन राज्य के माननीय राज्यपाल महोदय जी से निवेदन करते हैं, कृपया स्थानीय लोक कथाओं पर आधारित राज्य के प्रथम 3D एनिमेशन फिल्म का लोकार्पण करें। ये 3D फिल्म से आबोतानी, द ओरिजिन ऑफ द्री दिग फेस्टिवल और बोम काकर। अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय लोक कथाओं पर आधारित ये 2 एनिमेशन फिल्म्स माननीय राज्यपाल महोदय जी के करकमलों से विमोचन किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब इन 2 फिल्मों पर बनी टीजर प्ले की जाएगी।
बहुत बहुत धन्यवाद राज्यपाल महोदय। Mok an so tumu kili rampon lo mok an lang abu ngom sinyoka bom ka kerhe adi doing ko doing himolum lukan bidu apu menggab lagi inade adi lokon areng mai mimi na ngopi ko ngayo na ngoko बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम पुनः माननीय राज्यपाल महोदय जी से निवेदन करते हैं, कृपया अनसंग हीरोज ऑफ अरुणाचल प्रदेश पर आधारित कॉफी टेबल बुक का विमोचन करें और इसके प्रथम प्रति को माननीय राष्ट्रपति महोदय जी को भेंट स्वरूप प्रदान करें। अनसंग हीरोज ऑफ अरुणाचल प्रदेश पर बनी कॉफी टेबल बुक जिसका विमोचन माननीय राज्यपाल महोदय जी करते हुए और इसकी प्रथम प्रति को माननीय राष्ट्रपति महोदय जी को प्रदान करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। देवी सज्जनों, आज पूरा अरुणाचल प्रदेश अपने राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर झूम रहा है, मस्त हो रहा है और अपनी खुशी का इजहार अब हम अरुणाचलवासी माननीय राष्ट्रपति महोदय जी के समक्ष करना चाहेंगे नृत्य और गीत के रूप में। हमारे बीच अब राज्य के विभिन्न कल्चरल ट्रूप्स अपना बहुत ही खूबसूरत सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। हम सभी सांस्कृतिक मंडलियों से निवेदन करते हैं, कृपया अपने खूबसूरत कार्यक्रमों को लेकर मंच के समक्ष प्रस्तुति दें। झूमता गाता हुआ अरुणाचल प्रदेश अपने इस बहुत ही खुशी के अवसर पर। कलाकार और अब उनके ठीक सामने पूर्वी कल्चरल ट्रूप अपने पारंपरिक नृत्य के साथ आदि कल्चरल ट्रूप अपने पारंपरिक लोक नृत्य के साथ मोलू आदि कल्चरल ट्रूप के बाद अब मंच के सामने वांचो कल्चरल ट्रूप तो
मालो कल्चरल ट्रूप अब मंच के सामने पारंपरिक नृत्य ओ मती लीलो के साथ भाजा रंगो सांको नोक्ते नृत्य कल्चरल ट्रूप अब मंच के सामने सामा जाबू ग्रुप के साथ आप पता नहीं कल्चरल ट्रूप आप मंच के सामने तागिन कल्चरल ट्रूप पीलू जारजू कार्यालय नृत्य के साथ पीलू जारजू कार्यालय कार्यालय पीलू जारजू कार्यालय कार्यालय पीलू जारजू कार्यालय कार्यालय अनगल रूम रूम लई आका मेजी कल्चरल ट्रूप अब मंच के सामने और अब अंत में अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले का सबसे लोकप्रिय स्नो लायन और याक डांस
बहुत बहुत धन्यवाद। राज्य स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर नृत्य और गीत के जरिए अपनी खुशी का आज जिहार करते हुए अरुणाचलवासी, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम उपस्थित सभा को संबोधित करने के लिए आमंत्रित करते हैं आदरणीय केंद्रीय विधि तथा न्याय मंत्री श्री किरेन रिजिजू जी को। महामहिम राष्ट्रपति महोदय, आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी, अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर, आदरणीय लेफ्टिनेंट जनरल केटी पटनायक जी, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय पेमा खांडू जी, उप मुख्यमंत्री चाउना मेन जी, विधानसभा के अध्यक्ष पीडी सोना जी, यहाँ इस भव्य कार्यक्रम में मौजूद अरुणाचल सरकार के मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, वरिष्ठ अधिकारीगण और विभिन्न क्षेत्र से आए हुए हमारे अरुणाचल के प्यारे भाइयों और बहनों, सबसे पहले हमारे 37वीं राज्य का स्थापना दिवस स्टेटहुड डे का हमारे देश का प्रथम नागरिक महामहिम राष्ट्रपति जी हमारे बीच में पधारे हैं और राष्ट्रपति जी का हमारे बीच होना हम लोगों के लिए बहुत ही गौरवान्वित करने वाला पल भी है और हम इस खुशी को हमेशा हर पल याद रखेंगे। आदरणीय राष्ट्रपति जी, आज यहाँ अरुणाचल प्रदेश में रुकने वाले भी हैं और बहुत सालों के बाद इस देश का राष्ट्रपति का हमारे यहाँ स्टेटहुड डे में हमारे साथ में ये सिर्फ कार्यक्रम ही नहीं बल्कि रात को भी रहने वाले हैं और ऐसे शुभ अवसर पर हम सोचते हैं कि हमारे इस बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस को हम समझें कि किस तरीके से और भी हम यादगार बनाएं। ये मेरा अपना लोकसभा क्षेत्र भी है और यहाँ के जनताओं ने बहुत सालों से मुझे काम करने का मौका भी दिया, इसी नाते मैं अपने ही लोकसभा क्षेत्र में राष्ट्रपति महोदय को पा करके बहुत आनंदित महसूस कर रहा हूँ। हमारे लिए राज्य का स्थापना दिवस हर साल आते हैं और हम हर साल मनाते हैं लेकिन हर साल कुछ ना कुछ नया चीज़ जोड़ते हैं और नया चीज़ हम खुद को भी देखने को मिलते हैं। मैं समझता हूँ कि पिछले बार जब हम गोल्डन जुबली मनाए थे उससे कई कदम हम फिर आगे बढ़े हैं। आज के इस ऐतिहासिक और बहुत ही शुभ अवसर पर हम उन तमाम महान आत्माओं को भी याद करना चाहते हैं जिन्होंने हमारे इस खूबसूरत प्रदेश को बनाया है, संवारा है और जिसके बदौलत आज हम यहाँ पहुँचे हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जिसको हम नाम तक नहीं जानते हैं। आज इस शुभ अवसर पर जो अनसंग हीरोज़ के नाम से जो किताब निकले हैं, मैं चाहता हूँ हमारे प्रदेश के जो युवा पीढ़ी है वो ज़रूर पढ़े और इसका एहसास होना चाहिए कि हम यहाँ कैसे पहुँचे हैं। अरुणाचल प्रदेश आज जहाँ खड़ा है वो ऐसा जादू की छड़ी से तो खड़ा नहीं हुआ, कई लोगों ने योगदान दिया है। हमारे प्रदेश के कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने आज से 40, 50, 60 साल पहले
अपने अपने तरीके से बहुत कुर्बानियां भी दिए हैं, योगदान भी दिया है। अरुणाचल प्रदेश के अलावा कई ऐसे आत्माएं हैं जिन्होंने अरुणाचल के लोगों से भी ज्यादा हमारा प्रदेश के लिए काम किया है। मुझे कई लोगों से मिलने का मौका मिला, कई ऐसे लोग हैं ऑफिसर रहे हैं, या एक सिंपली एक बाबू या एक लेबर के हिसाब से भी अरुणाचल को बनाने में बहुत योगदान दिया है। कई लोगों को बहुत साल बाद मुझे मिलने का मौका मिला, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो आज हमारे बीच में इस दुनिया में नहीं है, लेकिन इन्होंने हमारा प्रदेश, जब हम अपने पांव पर चलने का हमारे पास साधन नहीं थे, जब हमारे पास ऐसा कोई व्यवस्था नहीं था, और अरुणाचल प्रदेश जब नेफा के नाम से जाने जाते थे चीन का आक्रमण से पहले, देश के लोगों को पता भी नहीं था, जो सरकार में थे कुछ लोगों को छोड़ के देश के अन्य लोगों को अरुणाचल प्रदेश क्या है इनका पता नहीं था। नेफा के नाम भी तभी सुना जब यहां चीन का आक्रमण हुआ था। उस जमाने का अरुणाचल प्रदेश से लेकर के आज हम यहां पहुंचे हैं, उसका फर्क को हमको महसूस करना चाहिए। आज हमारे पास सुविधा है, वो सुविधा आराम से आया है ऐसा नहीं है। इस सुविधा प्राप्त करने के लिए कितना मशक्कत करना पड़ता है। मैं खास करके जो हमारे युवा पीढ़ी है, जिनको अंदाज नहीं है कि जो पुराने लोगों ने कितना योगदान दिया है, उसको अपने पाठ्यक्रम में पढ़ने का और समझने का चेष्टा करना चाहिए। हम लोगों को याद है कि हम लोग जब खुद राजनीति में नहीं आए, तब भी हम पैदल घूमते थे। मैं खुद अपना चुनाव प्रचार के लिए पैदल ही घूमते थे, और पैदल घूमते घूमते बहुत मुश्किल से हम लोग गाड़ी का सुविधा मिलता था। और मैं तो कई जगह सार्वजनिक रूप से भी कहा है कि मैंने अपने जिंदगी में एरोप्लेन पहले देखा है, गाड़ी बाद में देखा है। हमारे पास सड़कें नहीं थे, बिजली नहीं था, हमारे पास कोई साधन नहीं था। जो कुछ भी था कुदरत ने जो दिया है, गाँव का पानी, गाँव का जो जंगल, लकड़ी से खाना पकाना, खेती करना, वही हमारी जिंदगी था। हम ट्राइबल समाज के लोग हैं, हमारा जिंदगी जंगल से जुड़े हुए हैं, जल जंगल जमीन से हम जुड़े हुए हैं। वैसे ही हमने अपना शुरुआत का जिंदगी देखा है। कई लोगों ने इस तरह का माहौल देखा नहीं है, खास करके नई पीढ़ी के लोग। तो उस समय से लेकर के आज तक में जो फर्क है, अगर हम इसका आकलन नहीं कर पाएंगे तो मैं समझता हूं कि हम अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। हम आज कहते हैं कि अरुणाचल को विकास के रास्ते पे चलना है, एक आदमी से नहीं होगा और एक सरकार से नहीं होगा, हर एक नागरिक का योगदान चाहिए। मैं आज यहां हमारे जो कर्मचारी भी हैं, जनप्रतिनिधि भी हैं, पब्लिक के लोग भी आए हुए हैं, आपको मैं कहना चाहता हूं, हम जितना अच्छा काम करते हैं, अगर एक गलत काम हो गया तो आजकल चर्चा उसी गलत काम का होता है। इस प्रदेश को बनाने में हमारे जो ऑफिसर्स हैं, कर्मचारी हैं, आप लोगों का योगदान है, आप लोगों ने ही बनाया है। लेकिन कभी कभी ऐसा ऑफिस में अपने काम करते करते ऐसा काम कर जाता है कुछ लोग, जिसके वजह से सरकार को बदनाम झेलना पड़ता है। हमने कोई गलती नहीं किया, लेकिन हमको बात सुनना पड़ता है, हमको तनख्वाह मिलता है, हमको जिम्मेदारियां दी हैं, हमने शपथ लिया है, फिर हम गलत काम क्यों करते हैं? और हम ऐसा काम करते हैं जिसको लेकर के पूरा प्रदेश को बदनाम होना पड़ता है। जब हम प्रदेश को एक नई दिशा में ले जाना चाहते हैं, अरुणाचल प्रदेश को प्रॉस्पेरस स्टेट बनाना चाहता है, तो हर एक नागरिक का योगदान चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता है कि काम करने वाला करेगा और कुछ लोग बदनाम करते रहेगा।
जिसको जिसको इनाम मिलना चाहिए उसको चप्पड़ फाड़ के इनाम देना चाहिए, और जो गलत काम करता है उसको भी कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए। हमारा प्रदेश में कितने लोगों ने अपना कुर्बानियां दे करके आज यहां पहुंचा है। हम लोग छुट्टियां नहीं मनाते हैं, हम लोग एक रुपया का घपला नहीं करते हैं, 24 घंटे अपना प्रदेश को कहां से कहां ले जाने का सपना देखते रहता है। लेकिन कुछ काम ऐसा होता है जिसका वजह से जितना अच्छा काम करो उतना ही बदनाम हो जाता है। इसलिए ये जिम्मेदारी सबका है। अगर सरकार को ऊपर में फेंक देगा, मुख्यमंत्री को ऊपर में सिर्फ बात फेंकेगा, उससे समाज बनने वाला नहीं है, देश बनने वाला नहीं है। हम लोग तो खुशकिस्मत है, आज के जमाने में, आज से 20-25 साल और आज के समय में आप देखिए, मुझे याद है 50 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ प्रोजेक्ट के लिए दिल्ली में ठोकरे खाने पड़ते थे। हमारे MLA मिनिस्टर्स ऑफिसर्स दिल्ली में जाते थे, 5% 6% कमीशन दे करके प्रोजेक्ट सैंक्शन करना पड़ता था। आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली जाने का बिल्कुल जरूरत नहीं है, दिल्ली चल के यहां आता है, करोड़ों का प्रोजेक्ट सैंक्शन होता है। तो फिर हमको दिल लगा के काम करने में क्या तकलीफ है? आज एक एक प्रोजेक्ट जो मैं 20 साल पहले सपना देखा था कि अरुणाचल प्रदेश का बॉर्डर एरिया में हमारा फ्रंटियर हाईवे होना चाहिए, भूटान से म्यांमार तक का, चीन बॉर्डर से सटाए हुए जितने हमारा जगह है सबको हम लोग नेशनल हाईवे से कनेक्शन करने का जो सपना देखा था, आज वो प्रोजेक्ट पूरा होते हुए हम देख रहे हैं। 40,000 करोड़ का फ्रंटियर हाईवे का सैंक्शन हो चुका है। और आप सोचिए उस समय पूरा अरुणाचल का बजट 1-2 हजार मुश्किल से होता था, 1-40 हजार का प्रोजेक्ट नरेंद्र मोदी जी के समय में सैंक्शन होता है। एक एक प्रोजेक्ट देखिए, मैं आज यहां प्रोजेक्ट गिन करके बताने का ये सही समय नहीं मानता हूं, आज जश्न मनाने का है। हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी हमारे बीच में पधारे हैं, लेकिन उन्हीं के प्रेजेंस में मैं खुद भी एक आदिवासी हूं। जो मुझे खुशी होती है जब आदरणीय राष्ट्रपति जी का हमारे पार्लियामेंट में संबोधन किया, उन्होंने जो मार्गदर्शन दिखाया उसी मार्गदर्शन को हम रेखा खींचते हुए आगे चल रहे हैं, और प्रधानमंत्री जी का अपने कैबिनेट, अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, पूरे सरकार को डायरेक्शन दिया हुआ है कि आदरणीय राष्ट्रपति जी ने जो बजट सेशन चल रहे हैं उसमें संयुक्त पार्लियामेंट को जो एड्रेस किया उसमें एक एक भाव, एक एक वाक्य को हम अपने कार्यक्रम में, अपने काम करने के तरीके में समावित करके हमको आगे चलना है। इसलिए मैं मानता हूं कि इस स्टेटहुड डे के शुभ अवसर पर हम सबको फिर से शपथ लेना होगा कि इस देश को महान बनाना है तो हमारा प्रदेश को भी महान बनाना होगा, अरुणाचल प्रदेश का भी कंट्रीब्यूशन होना चाहिए इस देश को महान हिंदुस्तान बनाने में। इसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पेमा खांडू जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि जिस गति से हम पहले हमारा प्रदेश में काम को देखते थे उस गति को दोगुना आगे बढ़ते हुए पेमा खांडू जी का सरकार काम कर रहे हैं। और मैं आपका प्रतिनिधि होने के नाते मैंने हमेशा कहा है कि दिल्ली में जब तक मोदी जी हैं उनके सहयोगी के हिसाब से मैं काम कर रहा हूं, अरुणाचल प्रदेश को कोई चिंता करने का विषय नहीं है, कोई आपको परवाह करने का चीज नहीं है। बस जो भारत सरकार की ओर से और राज्य सरकार की ओर से जो भी कार्यक्रम तय किया गया है उसको दिल लगा के काम करना है। इस शुभ अवसर पर मैं सारे अरुणाचल प्रदेश के कोने कोने में और देश विदेशों में जितने अरुणाचल के वासी हैं सबको हृदय से इस स्टेटहुड डे का शुभकामनाएं देना चाहता हूं, और भविष्य के उज्जवल के लिए मैं आप सबको शुभकामनाएं देना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय केंद्रीय मंत्री महोदय। और अब उपस्थित जनसभा को संबोधित करने के लिए हम आमंत्रित करते हैं राज्य के माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री पेमा खांडू जी को। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। थर्टी सेवेंथ राज्य स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर हमारे बीच उपस्थित ऑनरेबल प्रेसिडेंट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, केंद्र में कानून मंत्री श्री किरेन रिजिजू जी, राज्य सरकार में हमारा सहयोगी डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर श्री चौना मीन जी, ऑनरेबल स्पीकर श्री पीडी सोना जी, आज का इस स्टेटहुड सेलिब्रेशन में आए हमारे ऑनरेबल एमपी राज्यसभा श्री नवम रिबिया जी, एमपी वेस्ट पार्लियामेंट्री श्री तपिर गांव जी, और ख़ास करके हमारे पड़ोसी राज्य असम से आए हमारे ऑनरेबल एमपी श्री दिलीप सैकिया जी, यहां उपस्थित सरकार में हमारे सभी कैबिनेट कलीग्स, सभी हमारे एमएलए कलीग्स, चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी, यहां उपस्थित राज्य सरकार के सभी सीनियर ऑफिसर्स, हमारे सीबीओस के रिप्रेजेंटेटिव, स्टूडेंट्स लीडर, यूथ लीडर, हमारे महिलाओं का यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव्स, कल्चरल ट्रूप्स, मीडिया के दोस्तों और अरुणाचल के हमारे प्यारे भाइयों और बहनों, हम सब के लिए आज बहुत ही गर्व का अवसर है कि हमारे स्टेटहुड डे सेलिब्रेशन में ऑनरेबल प्रेसिडेंट यहाँ पे आए और थोड़ी देर बाद यहाँ पे हम लोगों को एड्रेस भी करेंगे। और साथ ही साथ मैं स्वागत करता हूँ अपना राज्य के महामहिम राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड केटी परनायक जी को, जो रिसेंटली अरुणाचल में ज्वाइन किया है एज गवर्नर। तो हमें उम्मीद है सर आपका एडवाइस से अरुणाचल में जो डेवलपमेंट का लहर और भी ऊंचाई तक हम लोग लेके जा पाएंगे। अरुणाचल प्रदेश और नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट के बारे में आप सब लोग जानते हैं, आप सब लोग विटनेस भी कर चुके हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमारे यूनियन मिनिस्टर श्री किरण जी ने जो यहाँ पे बात रखा कि नॉर्थ ईस्ट पहले किस जमाने में क्या दिक्कतें होता था और अरुणाचल प्रदेश किस हिसाब से अभी आगे हम लोग चल पड़े हैं, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद के कारण से आज पिछले साढ़े आठ सालों में पूरे नॉर्थ ईस्ट और अरुणाचल प्रदेश में काफ़ी डेवलपमेंट यहाँ पर हो रहा है। पहले लोग समझते थे कि नॉर्थ ईस्ट एक रीजन है और सभी राज्यों में एक समान कल्चर और एक समान ट्राइब लोग बसे हुए हैं, मगर नॉर्थ ईस्ट का जो डायनामिक्स और हमारे नॉर्थ ईस्ट का जो डाइवर्सिटी आप अपना ही प्रदेश अरुणाचल में देखिए। मैं अभी ऑनरेबल प्रेसिडेंट मैडम को बता रहा था कि अरुणाचल प्रदेश में कुल मिला के हम लोग 26 जनजाति यहाँ पर बसे हुए हैं और 100 से भी अधिक उप जनजाति यहाँ इस प्रदेश में बसे हुए हैं। अरुणाचल प्रदेश ज्योग्राफिकली बहुत ही एक चैलेंजिंग एक राज्य है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब हमेशा कहते हैं कि ये देश तभी डेवलप होगा जब नॉर्थ ईस्ट डेवलप होगा, और आज बड़े गर्व के साथ मैं कहता हूँ कि नॉर्थ ईस्ट का भी नॉर्थ ईस्ट अरुणाचल प्रदेश डेवलप हो रहा है। इसका मतलब पूरे नॉर्थ ईस्ट अभी डेवलप हो रहा है, चाहे आप कनेक्टिविटी रोड्स के बारे में बोलिए, रेलवे के बारे में बोलिए, एयरवेज के बारे में बोलिए, या डिजिटल कनेक्टिविटी के बारे में बोलिए, हर एक क्षेत्र कनेक्टिविटी पर अभी अरुणाचल का जो चैलेंजेस को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा उसको एड्रेस किया जा रहा है। यही नहीं बल्कि सोशल सेक्टर्स में अगर देखा जाए, चाहे वो हेल्थ सेक्टर में हो, हमारा सब सेंटर से लेके पीएससी, सीएससी, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, स्टेट हॉस्पिटल और पहला मेडिकल कॉलेज, ये सब पिछले नरेंद्र मोदी साहब का आशीर्वाद के कारण से यहाँ पे हम लोग लाभ पाया है। एजुकेशन का क्षेत्र में भी हम लोग काफ़ी अभी रिफॉर्म्स हम लोग कर पाया है, जिसमें से भारत सरकार काफ़ी सपोर्ट हम लोगों को दिया है। अरुणाचल प्रदेश एक बहुत ही एक पोटेंशियल एक राज्य है। आज हम लोग 20 फरवरी 1986 में स्टेटहुड घोषणा होने के बाद तब से लेके अभी तक वी हैव कंप्लीटेड द जर्नी ऑफ 36 इयर्स।
36 ईयर्स का जर्नी हम लोग ने तय किया है और आज हम लोग 37th स्टेट डे में कदम रखा है। तो इस शुभ अवसर पर मैं भी जितने भी जो हमारा पुराना लेफ्टिनेंट गवर्नर से गवर्नर्स और जितने भी फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स, जितने भी हमारा फॉर्मर मिनिस्टर्स MLAs और समाज के हमारा सीनियर लीडर्स, उन सभी हमारा पुराने गांग बुराज, उन सभी को हम याद करते हैं। उन सभी का टाइम में बहुत अच्छा योगदान हम लोगों को दिया है और साथ ही साथ पुराने जितने भी हमारा चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं, जितने भी हमारा सरकार के साथ जुड़े हुए हमारा ऑफिसर्स जो काम किए हैं, उनको भी याद करते हुए आज हम धन्यवाद भी प्रकट करते हैं। नरेंद्र मोदी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव हम लोग मनाते आए और हम सब बहुत ही खुशी का बात है। अभी थोड़ी देर पहले ऑनरेबल डिप्टी CM साहब के स्पीच में उन्होंने जो जानकारी यहाँ पे दिया और हमारे राज्य के महामहिम राज्यपाल द्वारा जो अनसंग हीरोज के किताब का यहाँ में जो विमोचन हुआ है, तो आने वाला दिनों में उसको एक कैरिकुलम के हिसाब से हम लोग स्कूल प्रोग्राम्स में भी, हम लोग स्कूल एजुकेशन में भी हम लोग जुड़ेंगे ताकि हमारा युवा पीढ़ी अपना अरुणाचल के बारे में जाने। हम ट्राइबल्स लोग बहुत ही इस देश के आज़ादी में भी हम लोग ने कंट्रीब्यूट दिया है, मगर इसका पहचान हम लोगों को नहीं मिला। हम सब बहुत ही गर्व हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज़ादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेट करने के लिए घोषणा किया और साथ साथ अभी हम लोग आज़ादी जो अमृत काल की तरफ अभी हम लोग बढ़ना शुरू किया है। और खुशी का बात यह है, उस अमृत काल में जब हम लोग बढ़ रहे हैं तो हमारा देश का प्रेसिडेंट भी हमारा ट्राइबल समाज है और इस इनिशियल स्टेज को उनका लीडरशिप में हम लोग लीड कर रहे हैं, तो हम सब के लिए बहुत ही गर्व का बात है। जैसे मैं थोड़ी देर कहा कि अरुणाचल प्रदेश बहुत ही एक पोटेंशियल एक राज्य है, यहाँ पे गवर्नमेंट का पॉलिसीज भी हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं कि अच्छे दिशा में हो। हमारा यहाँ के जो युवा है केवल नहीं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के तरफ देखे, बट दे शुड बी एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग वाला नौकरी ताकि दूसरे को वो लोग दे पाएगा, चाहे टूरिज्म का बोलिए, चाहे आप हाइड्रो पावर का बोलिए, चाहे एग्रीकल्चर एंड एलाइड का बोलिए, बहुत सारा पोटेंशियल्स है। तो धीरे धीरे अभी अपना पोटेंशियल एरिया को हमारे सरकार के पॉलिसीज़ के माध्यम से और केंद्र सरकार के पॉलिसीज़ के माध्यम से लोगों को इसका बेनिफिट हम लोग देना अभी जुड़ रहा है और काफ़ी स्टार्टअप्स भी, यंग एंटरप्रेन्योर्स भी अरुणाचल से उभर के आ रहा है। हमारा अरुणाचल प्रदेश का खास करके युवाओं का बहुत टैलेंट है, काफ़ी हुनर है। अभी पिछले 7-8 सालों में आप लोग देखिए स्पोर्ट्स के क्षेत्र में पहले अरुणाचल प्रदेश देश का सबसे लोवेस्ट रैंक में हुआ करता था, आज कहाँ से स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी कहाँ से कहाँ पहुँचा हुआ है। मैं आज किरण रिजिजू जी का भी धन्यवाद देता हूँ कि वो जो खेल मंत्री था तो उसका अंतर्गत में खेलो इंडिया से अरुणाचल को बहुत अच्छा सपोर्ट हम लोगों को मिला है। उसी प्रकार में अगर हम लोग कल्चरल फील्ड में देखेंगे तो अभी अरुणाचल प्रदेश में भी थिएटर आर्ट का भी अभी प्रमोशन हो रहा है। तो हमारा यूथ लोग काफ़ी टैलेंटेड है, केवल उनको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हम सबको मिलके प्रोवाइड करना होगा। तो अरुणाचल प्रदेश का मैं उम्मीद करेंगे कि एज टीम अरुणाचल का कॉन्सेप्ट पर आप सभी लोग हम आज के इस शुभ अवसर पर हम सब का एनर्जी को रीडेडिकेट करते हुए अरुणाचल को एक नया ऊंचाई तक हम लोग लेके जा पाएंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ में आप सबको एक बार फिर इस राज्य स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर ढेर सारा शुभकामनाएं और मैडम प्रेसिडेंट को मैं अपने पूरे जनता की ओर से एक बार फिर इस सुंदर प्रदेश में आपका स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय अरुणाचल। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और अब दिव्य सज्जन उपस्थित जनसभा को संबोधित करने के लिए हम आमंत्रित करते हैं आदरणीय राज्यपाल महोदय लेफ्टिनेंट जनरल कैवल्या त्रिविक्रम पटनायक जी, PBSM UISM YSM सेवा निवृत्त। माननीय राज्यपाल महोदय, Honorable President of India Shrimati Draupadi Murmu ji, Honorable Chief Minister of Arunachal Pradesh Shri
पेमा खांडू जी, ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस श्री किरण रिजू जी, ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश श्री चावना मेन जी, ऑनरेबल स्पीकर ऑफ अरुणाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली श्री पसांग दोर्जी सोना जी, डिस्टिंग्विश्ड ऑफिशियल्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, डिस्टिंग्विश्ड ऑफिशियल्स प्रेजेंट एंड माई डियर फ्रेंड्स फ्रॉम दिस वंडरफुल स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विश टू एक्नॉलेज माई हैप्पीनेस to have been nominated to come to this wonderful state. It gives me great pleasure to come and work with you and make all your dreams come true. It's a matter of great pleasure and pride for us to have Honorable Rashtrapati ji grace this occasion of 37th Statehood Day celebrations. On behalf of the people, on behalf of all of you, I extend a warm and hearty welcome to Her Excellency, Madam President, to the land of rising sun. We stand in admiration of your exemplary commitment to public services, and we are privileged to seek your blessings today. Like my previous speakers have said, Arunachal Pradesh has come a long way from being a remote Northeast Frontier Agency to a full-fledged state it became in 1987 on this very day. The state has since progressed in leaps and bounds, but the last few years have specially witnessed a quantum progress and all-round development in the state, for which I take the opportunity to thank Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji for his strategic vision, continued personal focus on development of the state. His recent visit to the state to inaugurate the Doinipolo Airport and dedicate 600 megawatt project to the nation has provided a massive boost towards infrastructure upgradation in the state. We are also receiving unflinching support from the Union Government, which has been elaborately explained by Shri Rijuji, for development and prosperity, which will ultimately result in ushering of peace and tranquility in the state. Arunachal vasiyon ke liye mera ye kehna hai ki Arunachal Pradesh chal pada hai. Hamara ek sapna hai jise humne saakar karna hai. Sote hue nahi, jaagte hue. Aur iske andar aap sabhi ka sahyog बहुत बहुत ज़रूरी है. मैं कुछ बातें जो मेरी समझ में आई हैं यहाँ आने के बाद उनका उल्लेख करना चाहता हूँ. मंत्रिपरिषद द्वारा समर्थित हमारे ऊर्जावान माननीय मुख्यमंत्री श्री खांडू जी, युवाओं के लिए रोज़गार के अवसर पैदा करना, जीवन स्तर में सुधार लाने, अनुकूल कानून व्यवस्था बनाने रखने और हमारे संवेदनशील सीमा क्षेत्रों की सुरक्षा पे उनका ध्यान केंद्रित है. सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास के प्रति बढ़ते महत्व के साथ पिछले 7-8 वर्षों में लगभग 1200 किलोमीटर लंबी सड़कें बना दी गई हैं और इसके आगे भी इस कार्य में प्रगति हो रही है. इसके परिणाम स्वरूप लोगों के सामाजिक आर्थिक जीवन के ऊपर और हुरी और ताक्सिंग जैसे सीमावर्ती गांवों में रिवर्स माइग्रेशन की सुनिश्चित किया जा रहा है, संभव हो रहा है. हम अपने सीमा क्षेत्रों के साथ अपनी कनेक्टिविटी बढ़ा रहे हैं. आप सबको ज्ञात है कि मेंचुका, टूटिंग और विजयनगर में 3 हवाई पट्टियां चालू हो गई हैं और आने वाले वक्त में दिरांग, अनिनी और अपर सुबनसिरी जिलों में 3 और एडवांस लैंडिंग ग्राउंड के प्रस्ताव रखे गए हैं. इसके चलते दूर दराज के सीमावर्ती क्षेत्रों के संचार और रसद में सुधार होगा. इसमें सीमावर्ती क्षेत्रों में आबादी की आजीविका के साथ साथ आगे तैनात हमारे रक्षा बलों के भरण पोषण में भी काफ़ी हद तक सुधार आएगा. जहां तक वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो कि
सेंटर ने रखा है, इसके अनुरूप हमने सीमावर्ती क्षेत्रों के साथ 5 जीवंत गांवों की पहचान की है और उनके लिए मेलों, स्थानीय त्योहारों, पर्यटन गतिविधियां और आजीविका का विकास के आयोजन से सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थानीय लोगों को आकर्षित करने और प्रेरित करने के उद्देश्य से विकसित किया जा रहा है। आज जबकि हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, उसके तहत विकासात्मक गतिविधियों का संचालन करते हैं, हम उन्हीं सभी व्यक्तियों को, राजनीतिक दलों को, सुरक्षा बलों को, पारंपरिक संस्थानों को, जन समुदाय को, और सबसे बड़ी बात है जो इसके बारे में अभी काफ़ी कुछ कहा गया है, अनसिंग हीरोज जो अब गुमनाम नायक है, जिनकी मेहनत, शिद्दत और त्याग के कारण जो भी यहाँ पर प्रगति हुई है वो उसके बहुत बड़े भागीदार रहे हैं। मैं राज्य के सभी अधिकारियों से और जन समुदाय से अनुरोध करता हूँ कि आपने पिछले चंद सालों में जो कुछ भी हासिल किया है वो सराहनीय है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसी रफ्तार से चलते हुए कल आप अरुणाचल प्रदेश को उस रास्ते पे ले जाएंगे जहाँ से आपकी पहचान सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि बाहर के देशों में भी होगी। अंत में एकत्रित समुदाय के युवा लोगों के लिए मेरा एक छोटा संदेश है जो मैं एक कवि जयशंकर प्रसाद की वीर रस की कविताओं की कुछ पंक्तियां पढ़ के सुनाना चाहता हूं। इससे मैं खुद हमेशा प्रेरित रहा हूं, स्कूल से मैं इस कविता को पढ़ रहा हूं और मुझे लगता है कि ये एक प्रेरणादायक कविता है। इसका शीर्षक है बढ़े चलो। हिमात्र तुंग शुंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्वला स्वतंत्रता पुकारती, अमृत वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंत है बढ़े चलो बढ़े चलो। असंख्य कीर्ति रश्मिया विकीर्ण दिव्य दहासी, सपूत मातृभूमि के रुको न शूर साहसी, अराति सिंधु सैन में सुभाड़ वाग्नि से जलो, प्रवीर हो जयी बनो बढ़े चलो बढ़े चलो। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ और मैं माननीय राष्ट्रपति जी और सभी उपस्थित मान्यगण और पूरे अरुणाचल प्रदेश के देशवासियों को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, आपकी सेहत की मंगल कामना करता हूँ। जय हिंद, जय अरुणाचल। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राज्यपाल महोदय। और अब देवियों सज्जनों, हम बड़े ही आदर के साथ आमंत्रित करना चाहेंगे देश के राष्ट्रपति महोदय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को कि वे उपस्थित सभा को संबोधित करें, अपने आशीर्वचनों से हमें आह्लादित करें, हमारा मार्गदर्शन करें। माननीय राष्ट्रपति महोदय। राज्य के स्थापना दिवस और नागरिक अभिनंदन समारोह के अवसर पर मंच में उपस्थित अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल परनायक जी, मुख्यमंत्री श्री पेमा खाडू जी, केंद्रीय विधि मंत्री श्री किरण रिजिजू जी, उपमुख्यमंत्री श्री चोना मीन जी, विधानसभा अध्यक्ष श्री प्रशांत दोरीजी सोना जी, अरुणाचल प्रदेश सरकार के उपस्थित मंत्रीगण, जनप्रतिनिधिगण, गणमान्य अतिथियों, देवियों और स्वजन, आप सभी को मेरा नमस्कार। राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने के बाद अरुणाचल प्रदेश की ये मेरी पहली यात्रा है। आप सभी भाई बहनों का
आपके स्नेह और उत्साहपूर्ण स्वागत के लिए मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मुझे इस बात की विशेष प्रसन्नता है कि अरुणाचल प्रदेश की मेरी पहली यात्रा राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर हो रही है। राज्य स्थापना दिवस पर मैं अरुणाचल प्रदेश के सभी निवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। अभी हमने भारत रत्न श्री भूपेन हजारिका द्वारा लिखे गई बहुत ही सुंदर गीत को सुना। ये गीत मुझे बहुत अच्छा लगा, इसकी पंक्तियाँ हृदय को छू लेती है। ये गीत अरुणाचल प्रदेश की सुंदरता का वर्णन करता है। इस गीत की कुछ पंक्तियाँ मैं यहाँ दोहराना चाहती हूँ। अरुण किरण शीश भूषण कंठ हिम की धारा, अरुण किरण शीश भूषण कंठ हिम की धारा, प्रभात सूरज चुंबित देश, अरुणाचल हमारा अरुणाचल हमारा। भारत माँ की राज दुलारा, अरुणाचल हमारा। देवियों और स्वजन, अरुणाचल के सीधे और सहज प्रभाव के लोग ने अपनी एक अलग पहचान बनाए हैं। यहाँ के बहादुर योद्धाओं और शौर्यवान लोगों ने वीरता की नई परिभाषाएं लिखे हैं और भारत माता की सदैव रक्षा की है। मैं स्वाधीनता संग्राम में योगदान देने वाले अरुणा प्रदेश के सभी वीर वीरांगना को नमन करती हूँ, श्रद्धा सुमन अर्पण करती हूँ। मुझे ये जानकर खुशी हुई कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर भारत सरकार ने ऐसी वीरों की आज़ादी के नायकों के रूप में पहचान दी है। आज मुझे स्वाधीनता संग्राम में योग देने वाले अरुणाचल प्रदेश के अनसंग हीरोज के ऊपर एक कॉफी टेबल बुक भी प्रस्तुत की गई है और मुझे सौंपा गया है। इसमें से कुछ वीरों का मैं आपके सामने उल्लेख करना चाहूँगी। योगगुरुओं के मातोमूर जामोहो ने आदि जनसमुदाय को ब्रिटिश शासन के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम में एकजुट किया। मातमूर जामोहो ने एक ब्रिटिश अधिकारी द्वारा किए गए अत्याचारों का बदला उस अधिकारी तथा उसके अनुचरों की जीवन लीला समाध करके लिया था। इस घटना के कारण वर्ष 1911 और 12 का एंग्लो आवर युद्ध भी हुआ था, जिसमें आदि जन समुदाय ने बड़ी वीरता के साथ ब्रिटिश साम्राज्य से लड़ी। भारत की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व निछावर करने वाले ऐसे असंख्य बहादुर सेनानियों को मैं नमन करती हूँ। आज़ादी के ऐसे नायकों को पहचानने और उन्हें सम्मानित करने के लिए मैं केंद्र और राज्य सरकार का प्रशंसा करती हूँ। मेरी विश्वास है कि ऐसे स्वाधीनता सेनानियों की जीवन गाथाओं से अरुणाचल प्रदेश के निवासियों सहित सभी देशवासी प्रेरणा का प्राप्त कर रहे हैं। देवियों और स्वजनों, क्षेत्रफल के दृष्टि से पूर्वोत्तर का ये सबसे बड़ा राज्य होने के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे होने के कारण अरुणाचल प्रदेश सामरिक और भौगोलिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण राज्य है। राष्ट्रीय सुरक्षा और राज्य के आर्थिक विकास के लिए अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होना अनिवार्य है। मुझे ये जानकर खुशी हुई है कि केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश में नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए 44,000 करोड़ रुपया से अधिक की योजनाओं का मंजूर किए हैं। वेस्ट केमेंग डिस्ट्रिक्ट में स्थित 600 मेगावाट के केमेंग हाइड्रो पावर स्टेशन के शुरू होने से अरुणाचल प्रदेश एक पावर सरप्लस राज्य बन गया है। कुछ महीने के पहले ही ईटानगर में डोनी फोलो हवाई अड्डे का उद्घाटन हुआ है।
ये अरुणाचल प्रदेश का पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है। आज की अपनी यात्रा के दौरान मुझे इस आधुनिक एयरपोर्ट आकर विशेष प्रसन्नता हुई है। मुझे बताया गया है कि ये ऑल वेदर एयरपोर्ट और टर्मिनल रिन्यूएबल एनर्जी और रिसाइकलिंग को बढ़ावा देता है। मुझे विश्वास है कि इस नई हवाई अड्डे के विकास में राज्य की कनेक्टिविटी में सुधार होगा और साथ ही व्यापार और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। आज मुझे दोनों पोलो हवाई अड्डे से नाहरलगुन रेलवे स्टेशन तक सड़क परियोजना तथा अरुणाचल प्रदेश स्टेट डायरेक्टरेट कॉम्प्लेक्स की आधारशिला रखकर खुशी हो रही है। प्रधानमंत्री गतिशक्ति योजना के अंतर्गत बनाए जाने वाली इस सड़क परियोजनाओं से हवाई अड्डा और रेलवे स्टेशन की दूरी लगभग 10 किलोमीटर कम हो जाएगी। मुझे बताया गया है कि डायरेक्टोरेट कॉम्प्लेक्स में आधुनिक सुविधाओं से युक्त कई महत्वपूर्ण ऑफिसेस बनाया गया है। मुझे विश्वास है कि इससे राज्य में गवर्नेंस और नागरिक सुविधाएं और भी बेहतर होगा। इसके साथ ही आज मुझे अरुणाचल प्रदेश की दो प्रसिद्ध लोक कथाओं आबोतानी तथा बाऊब काकिर के एनिमेटेड वर्सन्स का लोकार्पण देखकर मुझे खुशी हुई है। देश के कई भागों में प्रचलित ऐसे लोक कथाओं हमारे सांस्कृतिक विरासत को और मजबूत बनाती है। बाऊब काकिर की कहानी हमें जीवन में कभी हार न मानने और सदैव प्रयासरत रहने की सीख देती है। आबोतानी की लोक कथा हमें फसलें उगाने की अरुणाचल प्रदेश की समृद्ध कृषि परंपरा से अवगत कराती है। देवियों और सज्जनों, महिलाओं के विकास के बिना कभी भी समाज का संपूर्ण विकास नहीं हो सकता है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि अरुणाचल प्रदेश की पंचायतों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व लगभग 47% है। इस विशेष उपलब्धि के लिए मैं अरुणाचल प्रदेश की महिलाओं और यहाँ के सभी निवासियों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। अरुणाचल प्रदेश की महिलाएं विभिन्न क्षेत्रों में सफलता हासिल कर रही है। बोमडिला की रहने वाली अंशु जामसेनपा 5 दिन में 2 बार माउंट एवरेस्ट पर पर्वतारोहण करने वाली पहली महिला है। इस उपलब्धि के लिए अंशु जामसेनपा को वर्ष 2021 में पद्मश्री पुरस्कार भी दिया गया है। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित तागेरिता ताखे महिलाओं की उद्यम में भागीदारी को बढ़ावा दे रही है और अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय एग्रो वेस्ट प्रोडक्ट को अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक लेकर जा रही है। मुझे विश्वास है कि अरुणाचल प्रदेश की ऐसी बहनों से पूरी देश की महिला प्रेरणा लेकर जरूर आगे बढ़ेंगे। देवियों और सज्जनों, भारत में सूर्य देवता की पहली किरण अरुणाचल प्रदेश को आलोकित करती है। ये राज्य अनुपम प्राकृतिक सौंदर्य से सुशोभित है। यहाँ की विभिन्न जनजातियाँ, उनकी सांस्कृतिक विरासत, उनकी विविधता में एकता सभी देशवासियों को प्रेरणा देती है। ये कहा जा सकता है कि अरुणाचल प्रदेश का समाज भारत का माइक्रोकॉस्म है। पहाड़ों, घने जंगलों, झील, झरनों और जीव जंतुओं से समृद्ध ये क्षेत्र एक रिच बायोडाइवर्सिटी जोन है। मुझे ये जानकर खुशी हो रही है कि राज्य सरकार ने जलवायु परिवर्तन की चुनौतियाँ का सामना करने और बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए पाके घोषणा पत्रों को अपनाया गया है। पर्यावरण संरक्षण के लिए ये एक महत्वपूर्ण पहल है। 21वीं सदी टेक्नोलॉजी की सदी है, लेकिन मैं मानती हूँ कि हमें टेक्नोलॉजी फॉर सोशल जस्टिस की सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए। मुझे ये जानकर खुशी हुई है कि राज्य सरकार द्वारा ड्रोन टेक्नोलॉजी का
इस्तेमाल कृषि बागवानी स्वास्थ्य सेवाओं और पर्यावरण संरक्षण के लिए किया जा रहा है। मुझे बताया गया है कि मेडिसिन फ्रॉम द स्काई कार्यक्रम के अंतर्गत दूर दराज के गांव में दवाइयां और वैक्सीन ड्रोन के माध्यम से कम समय में पहुंचाने की पहल राज्य के कुछ क्षेत्रों में की गई है। ये प्रयास टेक्नोलॉजी फॉर सोशल इम्पैक्ट का अच्छा उदाहरण है। देवियों और स्वजनों, अरुणाचल प्रदेश सहित सभी पूर्वोत्तर राज्य भारत के विकास को एक नई दिशा में ले रहे हैं और महत्वपूर्ण भूमिका भी निभा रहे हैं। इस साल भारत G20 की अध्यक्षता कर रहे हैं। मुझे ये जानकर खुशी हो रही कि G20 समूहों की कई बैठक पूर्वोत्तर के राज्यों में भी आयोजित की जा रही है। G20 की एक बैठक अगले महीने ईटानगर में आयोजित की जाने वाली है। मुझे विश्वास है कि इन बैठकों से पूर्वोत्तर के राज्यों की संस्कृति और पर्यटन का बढ़ावा मिलेगा और यहीं पर निवासियों की संभावनाएं और अधिक उत्पन्न होगी। मैं आज बहुत खुश हूँ स्थापना दिवस के अवसर पर यहाँ के कलाकारों ने अपने संस्कृति से हम लोगों को आनंदित किया, उत्साहित किया, उल्लासित किया। यहाँ के संस्कृति, यहाँ के परिवेश जैसे सुंदर है, यहाँ के संस्कृति भी ऐसे लवनीय है, सुंदर है, आकर्षित है। मैं जानती हूँ संस्कृति हम लोगों का पहचान है। ये संस्कृति को आगे भी बढ़ाए रखे, इसका विकास करे और संजो कर रखे। मैं एक बार फिर अरुणाचल प्रदेश की सभी निवासियों को राज्य स्थापना दिवस की बधाई देती हूँ और उनके उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय अरुणाचल प्रदेश। देवियों सज्जनों, इसी के साथ अब हम मुख्य कार्यक्रम के समापन पर आ पहुंचे हैं और अब माननीय राष्ट्रपति महोदय तथा अन्य विशिष्ट गण यहां से प्रस्थान करेंगे। उपस्थित तमाम दर्शकों का एक बार फिर से हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं अपने इस राज्य स्थापना दिवस में शिरकत करने के लिए। और देवियों सज्जनों, यही मुख्य कार्यक्रम संपन्न नहीं होता, इसके बाद भी कई सारे कार्यक्रम आज के शाम यहाँ पे आप सबों के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे। अब आप एग्जीबिशंस की स्टॉल्स की ओर प्रस्थान कर सकते हैं। एग्जीबिशन स्टॉल्स के पश्चात शाम को यहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम होगा। हम आप सभी से निवेदन करते हैं, कृपया उसका भी आप सभी ज़रूर लुत्फ़ उठाएँ।